नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो को आपण मानक स्वागत करुछि मु आनी शतपथी। दर्शक बंधु, वीडियो टी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्तंकु अनुरोध करुछि, जदि आपण माने ए पर्यंत मोर चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती ताहले निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करिनियंतु एवं नोटिफिकेशन पई ऑल बटन को हिट करंतु। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु, जेतेबेले महाभारत युद्ध रे हस्तिनापुर रे बसीथिबा कौरव मानंकर पिता धृतराष्ट्र अंध हेइथिबा कारणरु युद्ध देखिबा पई सक्षम हेइ परिनथिले, सेही समय रे संजय हस्तिनापुरर राजप्रसाद रे बसी कुरुक्षेत्र रे हेउथिबा प्रत्येक दिन युद्ध संपर्क रे धृतराष्ट्र को सुनाउथिले। संजय किभळि भाबरे एते दूररु महाभारत युद्ध को एते सूक्ष्म दृष्टि रे देखि परिले, कौन सही समय रे एहा समस्तंक पई संभव थिला ना संजयंक पाखरे एभळी कोनोसी शक्ति थिला बा कोनोसी दिव्य दृष्टि थिला। आज आमे जानिबा कि संजय एमिति कौन विशेष योग्यता प्राप्त करिथिले कि जहाद्वारा से महाभारत युद्ध को घरे बसी देखि पारुथिले। आसंतु प्रथमे जानिबा संजय किए। दर्शक बंधु, संजय धृतराष्ट्रंकर सभार जणे साधारण सदस्य थिले। से बहुत ही स्पष्टवादी, सदाचारी, सत्यवादी, निर्भयी, धर्मर पक्षपाती एवं भगवान श्रीकृष्णंकर जणे परम भक्त थिले। धर्मर पक्षरे थिबा संजय धृतराष्ट्रंक सभार सदस्य हेबा परे भी पांडव मानक प्रति तांकर सहानुभूति रहिथिला। तेबे दर्शक बंधु, एक कथा मध्य उल्लेख मिलिथाए कि अनेक थर संजय धृतराष्ट्रंकु तांका पुत्र मानकर पांडव मानक प्रति रहिथिबा व्यवहार को नै चेतावनी मध्य देइथिले। जेतेबेले कौरव मानक द्वारा द्रौपदींकर अपमान करा जाइथिला, सेतेबेले विदुर, गुरुद्रोण एवं भीष्म पितामह कौरव मानकु अटकेइबा पई प्रयास करिथिले, परंतु कौरव माने कहार भी कथा मानि नथिले एवं पूरा सभारे द्रौपदींकर अपमान करिथिले। जेतेबेले पांडव माने द्वितीय क्रीडारे कौरवंक ठारु हारी बणकु चली जाइथिले, सेतेबेले संचय धृतराष्ट्रंकु चेतावनी देइथिले कि कौरव मानंकर एभळी असहिष्णु व्यवहार कारणरु कौरव मानकर विनाश तो सुनिश्चित अटे, एहा सहित निर्दोष प्रजा माने मध्य बिना कारण रे मृत्युबरण करिबे। दर्शक बंधु, संजयंकर कथा सत्य होइथिला। महाभारत भली भयंकर युद्ध को अटकाई होइनथिला, कारण धृतराष्ट्र आखिरे अंध थिले, या सहित निज मनरु मध्य से पूरापूरी अंध थिले। युद्ध आरंभ हेबा पूर्वरु ऋषि वेदव्यास धृतराष्ट्र को कहिथिले कि युद्ध देखिबा पई से तांकु दिव्य दृष्टि प्रदान करिपरिबे, किंतु धृतराष्ट्र को जनाथिला कि तांकर अधर्मी अन्यायी पुत्र मानकर विनाश तो सुनिश्चित अटे, एथिपई से दिव्य दृष्टि प्राप्त करिबार कथा को स्वीकार कले नाही। वेदव्यास जानिथिले कि धृतराष्ट्र निश्चिंत भावरे युद्ध समय रे रणभूमिर हालचाल जानिबा पई व्याकुल हे उठिबे, एथिपई से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करिथिले, जहाद्वारा संजय ना ही केवल प्रत्यक्ष रूपरे होइथिबा घटना मनरे चिंता करुथिबा समस्त कथा को जानि पारुथिले। जेतेबेले युद्ध रे भीष्म पितामह तीरर सज्जा उपरे थिले, सेतेबेले धृतराष्ट्र को ताहार सूचना से प्रदान करिथिले, आउ धृतराष्ट्र एक कथा शुणी शोकाकुल हे उठिले। संजयंक ठारु पूरा युद्ध विषय रे से जानिबाकु चाहिले। संजय कौरव एवं पांडव दुई पक्षर स्थिति संपर्क रे वर्णना करिले एवं भगवान श्रीकृष्णक द्वारा दिया जाइथिबा गीतार उद्देश्य विषय रे मध्य सुनाइले। संजय श्रीकृष्णकर यथार्थ स्वरूप को मध्य वर्णना करी कहिथिले कि ए संसार रे जेउठारे भी सत्य, सरलता, सहजता, धर्मर पालन होइथाय सेठारे स्वयं श्रीकृष्ण बसवास करिथांति, जेउठारे भगवान श्रीकृष्ण थांति सेहिठारे निसंदेह भावरे विजय होइथाय। एहिपरि भावरे महर्षि वेदव्यासंक द्वारा प्राप्त होइथिबा दिव्य शक्ति द्वारा संजय भगवद गीता सहित युद्धर संपूर्ण घटनावली को
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଞ୍ଜୟ ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଏକମାତ୍ର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମହାଭାରତର କିଛି ରୋଚକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।